जज़ाकुल्लाह अली भाई, सवाल है नमाज वितर में दुआए कनूत के बाद कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? देखें जी, सुनन निसाई के अंदर एक ज़ईफ़ रवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी पढ़ा करते थे नबी अलैहिस्सलाम, यानी वितर की दुआ के बाद, अल्लाह महदीनी फ़ी मन हदईत वाली दुआ, वो तो साबित है अबू दाऊद तिर्मिज़ी इब्ने माजा में। हसन इब्ने अली को नबी अलैहिस्सलाम ने कुनूत वितर में ये दुआ सिखाई, अल्लाह महदीनी फ़ी मन हदईत वाफ़िनी फ़ी मन आफ़ईत। अलबत्ता एक तरीक है 1100 इंटरनेशनल अमनी के मुताबिक सही इबन हिब्बान में, मुझे नंबर इसलिए याद है, अगले दिन हमने इसका JPG भी चढ़ाया, कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ड्यूटी लगाई उबई इबन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु की और तमीमदारी की और बाकी असहाब की, तो वो जब नमाज पढ़ाया करते थे ना रमज़ान में वितरों की, तो उसके बाद वो दुरूशी पढ़ा करते थे, उसमें दुरूशी का सीगा नहीं आया। जब सीगा ना आए तो जो मुतलकन सीगे साबित हैं वो आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ये सुन निसाई में हदीस है, मुख्तसर ये पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें, ये सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, वो भी सही मुस्लिम में आया है। तो दुरूद के ऊपर मसला 56 देख लें, जो सुन्नत से दुरूद साबित हैं वो वाले दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर मुख्तसर पढ़ना है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, जो दुरूद इब्राहिमी का शुरू का हिस्सा है, जो सुन्नी शिया दोनों के यहाँ यानी सही सनद से साबित है, तो ये वाला दुरूद पढ़ें, और दुआए कुनूत के अंदर दुरूद पढ़ना चाहिए दुआए कुनूत के फौरन बाद। जज़ाकुल्लाह।